क्या सभी स्क्रोफुला के बारे में जानते हैं? शायद इस टर्म से आप ना समझ पाए, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप इस बात को समझ पाए कि आखिर मैं किस बारे में बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं स्क्रोफुला के बारे में। स्क्रोफुला एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस जो क्रिएट करते हैं, जो हमारे लंग्स में टीबी का जो बैक्टीरिया होता है कॉजेस जो होता है, वो आपके सिम्टम्स जो है वो आउटसाइड द लंग आपको सिम्टम्स देने लगता है, उसी कंडीशन को हम स्क्रोफुला कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्रोफुला के बारे में ही बात करने वाले हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या वजह होती है, क्या कॉजेस होते हैं उसके, और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए जानते हैं क्या होता है स्क्रोफुला। फ्रेंड्स, स्क्रोफुला जो होता है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में अगर ट्यूबरकुलोसिस जैसे सिम्टम्स अगर आने लगे तो उसे ही हम स्क्रोफुला कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस को क्रिएट करता है आपके लंग्स में, वही बैक्टीरिया आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ट्यूबरकुलोसिस को क्रिएट करता है आउटसाइड द लंग्स, यानी लंग्स में ना होके लंग्स के बाहर किसी भी जगह पे आपको ट्यूबरकुलोसिस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, जहां पर आपके लिम्फ नोड्स जो होते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो ज्यादातर अफेक्टेड होता है। स्क्रोफुला इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन दैट अकर्स आउटसाइड द लंग्स, यानी कि आपके आउटसाइड ऑफ द लंग में ये इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली होता है। तो ये था स्क्रोफुला। अब बात करते हैं कि इसके क्या लक्षण होंगे। जब आपको स्क्रोफुला की कंडीशन क्रिएट होती है तो इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसके जो लक्षण है, वो आपको स्पेशली आपके नेक एरिया में समझ में आते हैं। वहां पे आपको स्वेलिंग नजर आती है, वहां पर आपको कुछ महसूस होता है, कुछ उठाव जैसा या कुछ लेजन जो है वो आपको महसूस होते हैं। और जो ये स्वेलिंग जो होती है मोस्टली ये आपके लिम्फ जो ग्लैंड होते हैं या लिम्फ नोड्स जो होते हैं उसमें अफेक्शन होने की वजह से आपको ये महसूस होते हैं। जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं वो उसमें स्वेलिंग सी आ जाती है और वो आपको थोड़े से छोटे राउंड साइज में आपको महसूस हो सकते हैं। और जो ये नोड्यूल्स होते हैं वो ज्यादा टेंडर नहीं होते हैं, छूने पे आपको दर्द नहीं होता है, ज्यादा वॉमनेस उसमें नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीता जाता है और प्रॉपर मेडिकेशन नहीं होने की वजह से वहां पर पस फॉर्मेशन भी होने लगता है और वहां से पस सिक्रीशन भी होने लगता है और कुछ समय बाद वहां से बहुत ज्यादा पस निकलने लगता है। फ्लूइड जो है कुछ वीक्स हो जाने के बाद में वहां से सुपरेशन होने लगता है। और जब कभी आपको स्क्रोफुला होता है तो उसके साथ ही साथ जो पेशेंट है वो कुछ और सिम्टम्स को भी महसूस कर सकता है, उनमें ये सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि फीवर होगा। जब कभी आपके लिम्फ नोड में इन्फेक्शन होता है तो फिर वहां पर जो आपके लिम्फ नोड है क्योंकि वहां पे इरिटेटेड हो चुके हैं, इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, तो वहां पर आपको फीवर होना स्वाभाविक है। आपको मेलेस महसूस होगा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, आप बहुत ज्यादा कमजोरी सा महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको नाइट स्वेट्स बहुत होंगे, आपको बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होगा, अनवेल जैसी फीलिंग आपको आएगी, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी स्पेशली नाइट टाइम में, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी आपको होगा। बहुत जल्दी जल्दी आपका वेट लॉस होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इस तरह से ये क्या कारण होते हैं इस डिजीज कंडीशन के। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि आपके टीवी का भी एक कारण होता है, कॉज होता है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है कि एडल्ट्स में स्क्रोफुला जो है इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इन चिल्ड्रन नॉन ट्यूबरकुलोसिस कॉजेस आर मोस्ट कॉमन। बच्चे कभी भी कोई भी चीज, कॉन्टामिनेटेड चीज, जो नीचे पड़ी हुई चीज को लगातार अपने मुंह में डालते रहते हैं तो उस वजह से बच्चों में ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स में कॉज है वो कॉज बच्चों में जनरली नहीं होता है। ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं उनमें ज्यादातर रिस्क फैक्टर होता है इस तरीके के इन्फेक्शन का या स्क्रोफुला इन्फेक्शन का। ऐसे पेशेंट जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज तो है ही, साथ में वो किसी मेडिकेशंस पे हैं या उनकी जो बॉडी में ट्रीटमेंट कोई चल रहा है, मेडिकेशन चल रहे हैं जिसमें कि आपकी टी सेल्स जो है स्पेशली जो फाइटिंग सेल्स होती हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो वो अगर नहीं है या कम मात्रा में है तो भी वहां पे पेशेंट को ये वाले सिम्टम हो सकते हैं। अगर पेशेंट को HIV है और उसकी वजह से कोई थेरेपी चल रही है तो ऐसे पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये होते हैं कुछ रिस्क फैक्टर जहां पर ऐसे पेशेंट जो स्क्रोफुला से जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं।
कुछ कॉम्प्लिकेशन भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि लंग्स के आउटर साइड में या नेक एरिया में आपको स्क्रोफुला होता है या इन्फेक्शन होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर ये रहता है क्रोनिक कंडीशन में तो ये आपके लंग्स तक भी स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन, साथ ही साथ आपके जो नेक के आसपास का जो एरिया होता है वो भी अफेक्टेड हो सकता है। इसके बाद में जो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन होता है वो ये हो सकता है कि एक जो पेशेंट होता है उनके जो स्क्रोफुला अगर उसको हो गया है और वो बहुत ज्यादा क्रोनिक है तो वहां पर ओपन वुंड भी हो सकता है और वो ड्रेनिंग वाला हो सकता है, वहां से पस सिक्रीशन हो सकता है, और अगर वहां पे ओपन वुंड हो जाता है तो वो ज्यादा वल्नरेबल होता है किसी इन्फेक्शन को कैच करने के लिए, तो वहां पे कोई अदर इन्फेक्शन भी बहुत इजिली हो जाता है और उसकी वजह से और सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकती है। स्क्रोफुला के कंडीशन में हमें क्या होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, तो हम कॉम्बिनेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर बच्चों को दे रहे हैं 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 30 पावर में देना है, 12 से बड़ी उम्र के जो एडल्ट्स हैं उन्हें 200 पावर में ये कॉम्बिनेशन को बनाना है। तो सबसे पहले तीन मेडिसिन से मिलकर ये कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, और इसमें सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है बैरेटा कार्व। जैसे कि मैंने बताया पोटेंसी उस उम्र के हिसाब से ही आपको बनानी है, फिलहाल मैं एडल्ट डोज बता रही हूँ, तो 200 पावर लेना है बैरेटा कार्व का। सेकेंड डोज जो है वो सेकेंड जो रेमेडी है वो है आर्स आयोडेटम, और इसे भी आपको 200 पावर में लेना है, और थर्ड मेडिसिन जो है वो है कोनियम, इसे आपको 200 पावर में लेना है, और तीनों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में मिक्स कर लेना है और किसी अच्छी फाइल में साफ सुथरी फाइल में बना के आपको रखना है, और इसे फिर आपको 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना है, और जब तक लेना है कि जब तक आपका जो स्क्रोफुला है या नोड्स जो है जो स्वेलन हो गए हैं जहां पे ड्रेनेज अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो धीरे धीरे करके अपने आप कम होते जाता है। तो ये मेडिसिन को थोड़ा लंबे समय तक आपको लेना है, और आपको प्रॉपर जांच करवानी है, क्योंकि डायग्नोसिस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको स्क्रोफुला ही है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप जांच नहीं करवाएंगे तो किसी भी कारण का पता नहीं लग पाता है, कभी कभी कुछ और समस्या भी होती है जिसकी वजह से आपको इस तरीके के लिम्फ नोड जो है वो स्वेलिंग होती है। तो प्रॉपर जांच करवाने के बाद ही आपको कोई भी मेडिकेशन को लेना चाहिए, खुद से बिना डायग्नोसिस के कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। तो होपफुली आपको ये जानकारी पसंद आई होगी स्क्रोफुला के बारे में, और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो जल्दी से शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप मेरी इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर हेल्थ रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। इसके अंदर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।